आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी सबसे अच्छी बात है यहाँ पे 400 प्लस वैकेंसी कवर करी गई है एंड लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए इज ट्वेंटी ऑफ दिसंबर प्लस यहाँ पे आप टेन प्लस टू यू जी पी जी इन सबके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो कोई एक्सपीरियंस के रिकॉर्व नहीं है पे लेवल डिपेंड करेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करो और कौन से क्वालिफिकेशन है लेकिन प्लस टू वालों की भी ग्रुप सी की पोस्ट है तो वहां पे फोर्टी थाउजेंड प्लस आपको फोर्टी थाउजेंड प्लस आपको वहां पे अपना सैलरी बेस देखने को मिल जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छी वैकेंसी है आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए बाकी डिटेल मैंने कवर कर दिया प्लस अगर आप कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्च करो या कोई all... प्लस कोई ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो सर्च करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी जहां पे आप ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इजिली कर सकते हो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम करते हो ठीक है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपकी ऑफिशियल साइट है सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको 400 प्लस वैकेंसी देखने को मिल रही है एंड टोटल 44 टाइप की डिफरेंट वैकेंसी कवर हो रही है जहां पे आप प्लस टू के बेसिस पे बैचलर्स मास्टर्स सबके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेंगी एंड अप्लाई की ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर से वैकेंसी रिलीज करी गई है डी ट्रिपल एस पी से डेली सबॉर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड से एंड यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है लाइक फोर्स पोस्ट है आपकी फार्मेस की एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसी रहेगी फोर्टी टू एंड इवन कैटेगरी पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ये पोस्ट आपकी ग्रुप सी में आती है नेक्स्ट है आपकी टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की टेक्नीशियन असिस्टेंट की सब स्टेशन अटेंडेंट की जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ की ड्राफ्टमैन वायरलेस रेडियो ऑपरेटर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है जो आपकी ग्रुप बी के अंदर आती है एंड ए की वैकेंसी है इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए तो या बैचलर्स के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं वो डिटेल आपको दे रखी है क्वालिफिकेशन क्या रहिए वो भी हम चेकआउट करते हैं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट कवर हुई है नेक्स्ट है आपके सीनियर लेबॉरेट्री असिस्टेंट जूनियर लैब असिस्टेंट एंड असिस्टेंट Xerox operator, junior librarian, bookbinder, laboratory attendant, special education teacher, physiotherapist, assistant dietitian, radiographer, operation theatre assistant, plaster assistant, foreman and laboratory attendant, coordinator operator, scientific assistant in chemistry, assistant information officer, manager, work assistant, librarian, and senior scientific assistant in chemistry, warden and assistant superintendent, electrical. एंड सब इंस्पेक्टर तो ग्रुप बी सी इन सब की वैकेंसी है आपकी एंड यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन दे रखी है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है आपको सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हो कौन सी पोस्ट के अंदर हम देख लेते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हो जूनियर रेडियो टेक्नीशियन के अंदर तो प्लस टू के बेसिस पे आप यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो इवन आपके पास बीएससी है रेडियो थेरेपी के अंदर तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो एंड पे स्केल आपको दे रखा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से एटी वन थाउजेंड के बिटवीन रहेगा प्लस यहाँ पे ग्रेड पे मिलेगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड का ग्रुप सी की वैकेंसी है ट्वेंटी सेवन ईयर लास्ट एज रहेगी जनरल वालों के लिए एज रिलेक्सेशन मिल जाए सिमिलरली अगर आप कोई और वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था टेंथ के बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी है एंड यहाँ पे वैकेंसी है आपके डिप्लोमा के बेसिस पे भी यहाँ पे वैकेंसी है आपके टेंथ के बेसिस पे प्लस टू के बेसिस पे भी एंड यहाँ पे वैकेंसी है आपकी मास्टर्स के बेसिस पे तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी तो अप्लाई करिए सैलरी बेस वन लाख तक भी चला जाएगा तो डिपेंड करेगा आप कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करें आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन और एक पर्सन एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है एलिजिबल है ठीक है इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से जाकर चेकआउट करिए एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्लस अगर आप कोई और टाइप की वैकेंसी सर्च करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा